लोगों को लगता है कि अच्छा वो एक्टर होते हैं तो बहुत कमाते हैं और ये वो, बट खुद का मेंटेनेंस में भी तो कितना ज्यादा है ना एज एन एक्टर, इजी नहीं होता है ये सब खुद को। सब तो फिर मुझे अभी लगता है टीवी शो करना ही करने पड़ेगा, पड़ेगा। एक्टर है वो नॉर्मल इंसान तो होते नहीं है, पागल होते हैं, तो इसीलिए वो एक्टर है। चीटे, मैं वो ही मेरे अंदर का विराट कोहली बाहर आने वाला है था, पहले ये खाऊंगा फिर दाल मखनी खाऊंगा फिर नान खाऊंगा फिर कसाटा आइसक्रीम, वो याद है देखा उसका एक वो, तो करना पड़ता है कभी कभी स्पा करा लो, बहुत महंगा है भाई ये जीवन। सच सच बताओ हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो रिसेंटली अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज हो चुकी है इंडस्ट्री और उनके एक्ट्रेस इस वक्त हमारे साथ है। सो या वेलकमिंग आशा नेगी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू सो मच। सो आशा, हाउ हैव यू बीन, क्या कहना चाहेंगे आप? It's been really, I mean, I'm having a good time promoting the show and being a part of the show. क्योंकि इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रहा है और काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम द इंडस्ट्री लोग काफी रिलेट कर पा रहे हैं कैरेक्टर से एंड शो से, तो काफी रियल शो है, रियल, या बहुत बिकॉज रियल यू है। आर प्लेइंग एन एक्ट्रेस या आल्सो मेरा ओनली। पार्ट भी है, बाकी पार्ट्स भी, बहुत सारी चीजें, किस तरीके के क्या क्या होता है, यू नो, फॉर एन एक्टर कैसा होता है, फॉर अ राइटर कैसा होता है, प्रोडक्शन हाउसेस में कैसा होता है, जर्नलिज्म में कैसा कैसे होता होता है, ये है सब चीजें तो काफी लोग रिलेट कर पा रहे हैं, तो मजा आ रहा है, कुछ अलग किया है लाइक, यू नो, तो कुछ अलग आया है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था और कितना एंजॉय किया आपने टू यू नो डू दिस? वैसे देखोगे तो ऐसा लगता है ना कि इफ यू आर प्लेइंग समथिंग जो कि तुम्हारे लाइफ से ज्यादा सिमिलर है तो इजी होगा, बट एक्चुअल में नहीं होता है, ये मैंने रियलाइज किया आफ्टर डूइंग दिस कि खुद को प्ले करना इतना इजी नहीं होता है। द कैरेक्टर वाज वेरी वेरी क्वाइट सिमिलर टू माय जर्नी, टेलीविजन एक्ट्रेस ट्राइंग टू मेक इट इन फिल्म्स, और मुझ जैसी पता नहीं कितनी है यार, और जो यू नो वांट टू डू करेक्ट। बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, एंड काफी लोग रिलेट कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है मुझे क्योंकि मजा भी बहुत आया करने में, कितने सारे सीन्स में मैं इम्प्रोवाइज कर देती थी कि नहीं, ऐसे नहीं होता, पता है ऐसा ऐसा होता होता है, मैं है ये लिखने वाली हूँ इसमें, मैं ये बोलूंगी तो मुझे भी खुली छूट थी ऑफ कोर्स डायरेक्टर की वजह से, क्योंकि उनको भी ये था कि हाँ हमने कास्टिंग इजीली की है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस तुम अपने यूज करोगे इसमें, करेक्ट। बड़ा मजा आया। फिर जैसे कि आपने कहा कि जो ये कैरेक्टर है जो इट इज नथिंग यू नो डिफरेंट, जो आप जो हो वही आपने प्ले किया है यहाँ हाँ पे, बट एट द सेम पॉइंट आपने ये भी मेंशन किया कि इट वाज डिफिकल्ट एट सम पॉइंट, तो वो डिफिकल्टी कहाँ पर हुई थी आपको? यार डिफिकल्टी ना ये हो जाती है कि तुम जो तुम हो वो तुम प्ले करना ऑन स्क्रीन, क्योंकि कोई और कैरेक्टर तुम्हें मिलता है कि अच्छा ये लड़की है, ये ऐसी ऐसी है, ये इस शॉप में काम करती है, तो यू आर एन एक्टर एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू प्ले समथिंग एल्स, समथिंग बट जब एल्स तुम्हें खुद ही खुद को प्ले के करना है तुम्हें कितने सारे चैलेंजेस फील होते हैं उसमें, आई रियलाइज कि और तुम खुद से भी थोड़ा ज्यादा रूबरू होते हो आई फील, तो इतना इजी तो नहीं था यार। तो आपने कौन सी चीजें नोटिस की थी कैरेक्टर में जो आपको ऐसा जैसे लगा कि अच्छा मैं ऐसी हूं, मुझे नहीं पता था? नहीं जैसे मैं ऐसी हूँ तो मुझे बहुत लगा, बट जैसे एक एग्जांपल दूंगी, एक सीन में उन्होंने कुछ और लाइन लिखी हुई थी और मुझे जो राइटर है उसमें आयुष कुछ बोलता है, तो मैंने बोला कि यार इसमें ना ये लाइन लगाती हूँ, और वो लाइन मैंने क्या यूज की थी कि क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा वो एक्टर होते हैं तो बहुत कमाते हैं और ये वो, बट खुद का मेंटेनेंस में भी तो कितना ज्यादा है ना एज एन एक्टर, लोगों करेक्ट। के लिए या तुमको जो शोशा करना पड़ता है बिकॉज यू आर यू कम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो फिर तुम यू नो स्क्रीन के सामने आते हो इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, तुम्हें खुद पे कितना वो करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो हाँ सब खर्चे भी हैं, तो फिर वही कुछ एक लाइन थी जिसमें मैं उसको समझा रही हूँ कि इजी नहीं होता है ये सब, तो
खुद को सब, तो फिर मुझे अभी लगता है टीवी शो करना ही पड़ेगा, ऐसी सब लाइक्स थी, तो कुछ काफी कुछ इम्प्रोवाइज करने को मिला उसमें, बिकॉज इतना क्लोज है द कैरेक्टर एंड माय जर्नी, तो या तो ये सब तो चलिए जैसे कि कहा मेंटेनेंस के बारे में, आपने या आप पर्सनली किस तरह से मेंटेन करते हो खुद को? या देखो फिटनेस तो एक बहुत ही बेसिक चीज है, करेक्ट, वो आई थिंक मोस्टली एक्टर्स डू एंड जनरली पीपल आल्सो डू, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट या हमको थोड़ा स्क्रीन के आगे रहना पड़ता है तो हमारा थोड़ा एक्सट्रीम होता है डाइट एंड फिटनेस एंड करेक्ट, एवरीथिंग, एंड देन थोड़ा कभी कभार जाके स्किन पे कुछ कुछ करा लिया, कुछ पील्स करा लिए, यू नो कुछ कराना ही पड़ता है, पिंपल भी आ गया तो उसके लिए भी हाँ कैमरा कैमरा पे अच्छा नहीं लगेगा, पे फिर अच्छा नहीं वो लगता सोचना है, पड़ता है। ऑल दैट थिंग्स, बालों का क्या कर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं पर यार अभी लेके बैठेंगे तो फिटनेस की अगर बात कर किया जाए तो देर आर मेनी फिटनेस के लिए, जैसे कि योगा हो गया, जिमिंग हो करेक्ट गया, कार्डियो, पिलाटेस, मेनी या मोर। आप कौन सा पर्सनली प्रेफर करते हो? आई लव या फिटनेस इन जनरल, मतलब जिसमें तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, करेक्ट, बट आई लव लाइक गोइंग टू द जिम एंड भले ही मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रही हूँ या वेट्स कर रही हूँ, या मुझे किक बॉक्सिंग भी पसंद है, आई थिंक बॉक्सिंग इज द किक मोस्ट बॉक्स, फन, आई मतलब वॉन्ट टू ट्राई, आई सो वॉन्ट या टू ट्राई, सो यस मच फन। या आई इवन रिसेंटली एमएमए। हाँ आई रिसेंटली वेंट टू थाईलैंड, तो वहां पे एक जगह है फुकेट में जहाँ पे पूरी लेन में सिर्फ वर्कआउट के जिम्स हैं, वाओ, और वहाँ पे लोग मुआ थाई, एमएमए, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग इन सब चीजों के लिए आते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े फाइटर्स भी आते हैं वहाँ पे, वाओ, और पूरा जिम ही जिम भरे पड़े उस लाइन में, और ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे हर नुक्कड़ में पान बीड़ी की शॉप होती है ना, हाँ वैसे वहां पे हर नुक्कड़ में, मतलब ऐसे हर 2 कदम बाद तुम्हें एक फिटनेस शॉप सेंटर है मिलेगी, नहीं तो एक शॉप मिलेगी जिसमें तुम्हें प्रोटीन वो। विद अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, वाह, तो वो स्मूदी में वो तुम्हें प्रोटीन डाल के वो देते हैं, तो हर 2 कदम पे ऐसी शॉप है, और इतना मतलब स्टीम सोना आइस बाथ ये सब था, तो इट वाज लाइक हेवन, वो प्रोटीन ट्राई किया था आपने, या हाउ वाज इट? वेरी गुड, मतलब वो हाँ क्या जैसे हम लोग पीते हैं जो हमें प्रोटीन शेक, बस उसमें उन लोग वो लोग बहुत सारे फ्रूट्स डाल देते हैं, और जो फ्रूट ओ तुम्हें चाहिए, मैंगो चाहिए, मैंगो वो ब्लूबेरी कोई सा भी, बहुत मजा आया था, सो आई थिंक एमएमए बोलूंगी मैं दैट आई हैव द मोस्ट फन विद, बट अदर देन दैट मुझे सभी टाइप के पसंद है, योगा ऑल्सो आई रियली लाइक, इनफैक्ट योगा में तो आई वॉन्ट टू बिकम रेगुलर की हर ऑल्टरनेट डे करूँ, रोज नहीं भी तो, बट या सम फॉर्म इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो आपका डेली फिटनेस में कैसे आता है? आप डेली कौन कौन सा फॉर्म यूज डेली करते हो? में, डेली में मैं देखो मैं जिम रोज जाती हूँ, और मैं जाके कभी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करती हूँ, कभी मशीन से करती हूँ, कभी डंबल फंक्शनल केटलबेल, टाइप्स जो है, या कभी हफ्ते में एक बार एमएमए कर लिया, सो या फंक्शनल बेसिकली सो हाउ डज योर चीट डे लुक लाइक इफ यू आर ऑन डाइट? डे, या मैं वो ही मेरे अंदर का विराट कोहली बाहर आने वाला है था, पहले ये खाऊंगा फिर दाल मखनी खाऊंगा फिर नान खाऊंगा फिर कसाटा आइसक्रीम, वो याद है देखा उसका एक वो, तो बट माय चीट डे यार मुझे घर का भी पसंद है बाहर का भी पसंद है, घर का बोलो अगर तो मुझे पराठे बहुत पसंद है, मैं जब छोटी थी तो मैं बचपन में 5 5 आलू के पराठे खा जाती थी, या पांच, बचपन में 5, ओके, मतलब मेरी डाइट बहुत है लाइक मतलब आई कैन ईट, वाओ, बट मतलब या बिग टाइम फूडी। बिग टाइम फूडी, और जो दोस्त नहीं खाते ना मुझे बहुत वो होता है यार, तुम्हारा पैशन नहीं है तुम्हारा फूड को लेके, तुम बात मत करो ऐसे सब दिल पे ले लेती हूँ मैं, लोग जब मेरे साथ बैठते हैं खाने के लिए तो उनको कॉम्पिटिशन फील होता है कि, और वो दे एंड अप ओवर ईटिंग, सो या सब पसंद है यार मुझे, इंडियन नॉर्थ इंडियन पसंद है, पिज्जा पसंद है, बर्गर्स पसंद है, या बट बीन अ फूडी डाइट किस तरह से मेंटेन होता है, मतलब? या तो इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, सो या करना पड़ता है क्या करें, तो जब शुरुआत के दिनों की बात किया जाए, जब आपने डाइट जस्ट शुरू किया था जस्ट फॉर फिटनेस एंड बी फिट, या तो वो टाइम पे किस तरह से आपने खुद को सेक्रीफाइस किया या कंट्रोल किया होगा? खाने पे कितना सेक्रीफाइस किया आपने? यार आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट इज खाने पे ऐसे सैक्रिफाइस करना, हाँ वर्कआउट तो तुम फिर भी जाके कर लेते हो, बट आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट इज
डाइट एग्जैक्टली बट या कोशिश करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ चीट। सबसे ज्यादा चीट होता है जब घर जाती हूँ देहरादून, तब तो मैं फिर तो खुली घर का खाना ना मम्मी तो छोड़ेगी नहीं फिर खाने। एग्जैक्टली मम्मी भी नहीं छोड़ेगी, मैं भी खुद नहीं छोड़ना चाहती। और जो जो चीजें वहां पे फेमस मिलती है वो सब 2-3 बार चाय पी रही हूँ उनके साथ फुल। फिर कवर अप कैसे होता है आने के बाद? फिर वापस आने के बाद बैंड बजती है डबल ना शिफ्ट इन जिम। और मतलब वापस आके ऐसा लगता है यार कहाँ से शुरू करूँ, बहुत बुरा लगता है वापस आके। ये था फिटनेस का पार्ट। एंड अगर लुक की बात किया जाए तो ऑफ कोर्स बहुत परफेक्ट रहना पड़ता है। और मानसून भी है मानसून भी बाहर, है, मुझे तो लगता है बाल ना कितने बाल फ्रीजी हो फ्रीजी जाते हो हैं फिर। जाते हैं। हाँ कुछ है ऐसे होम रेमेडी या कुछ समथिंग? आजकल तो नहीं कर रही हूँ बट मैं हूँ और होम रेमेडी वाली। लाइक मुझे फेस पे बेसन, हल्दी, दही, शहद, थोड़ा सा टमाटर, ये सब मिक्स करके लगाना बहुत अच्छा लगता है। और बालों के लिए ऑयलिंग आजकल नहीं कर रही मैं, जबकि मुझे करनी चाहिए। चाहिए। आलस बट या ये सब। एंड बाकी अपना अगर कलर्ड बाल है तो उनके लिए अलग करेक्ट शैम्पू लग कंडीशनर यूज करना पड़ता है, कभी कभी स्पा करा लो, बहुत महंगा है भाई ये जीवन। जी। ओ हम ऑफ ट्रैक चले गए। कमिंग बैक टू इंडस्ट्री नाउ, क्या कहना चाहेंगे इंडस्ट्री के बारे में? डीपली आपने जब काम किया तब आपको एग्जैक्टली इंडस्ट्री के बारे में पता चला, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि राइटिंग का पार्ट कैसा होता है, डायरेक्शन कैसा होता है, करेक्ट जर्नलिज्म वाला। या डीपली क्या कुछ आपने सीखा है? मुझे रियलाइज हुआ कि ये शो इंडस्ट्री करके मैं एक्चुअल में अब जाके इंडस्ट्री का पार्ट बनी। क्योंकि एक तो कितने लोग इंडस्ट्री देख रहे हैं, इंडस्ट्री के करेक्ट लोग, एंड पीपल आर मैसेजिंग, सो आई एम गेटिंग टू नो सो मेनी पीपल फ्रॉम द वाओ इंडस्ट्री। वो मुझे पहले नहीं पता था कौन कौन है, कौन क्या है। तो कितने सारे लोग देख रहे हैं, दे आर मैसेजिंग अबाउट द शो, अबाउट द कैरेक्टर, और मैं उसके थ्रू कितने लोगों को जान रही हूँ। फिर किस तरीके से इंडस्ट्री में चीजें होती हैं, काम करेक्ट होता है, कैसे होता है, वो सब समझने को मिला मुझे इस शो में। तो अब मुझे ऐसा लग गया नाउ आई फील आई एम प्रॉब्ली अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। या बट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्ट्रगल्स जो एक एक्टर नो जो एंटर करते हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे कि आपने भी प्ले किया है ये कैरेक्टर, तो रियल स्ट्रगल क्या कहना चाहेंगे आप? रियल स्ट्रगल कैसे डिफाइन करोगे आप? यार रियल स्ट्रगल है वो इंतजार। मतलब तुम ऑडिशन दे रहे हो, वो पार्ट फिर भी इजी है बिकॉज यू आर गोइंग एंड यू आर ऑडिशनिंग। बट जब वो इंतजार करना पड़ता है ना कि क्या होगा, मतलब क्या जवाब आएगा, या फिर अब नया क्या आएगा। एक शो भी अगर सपोज तुम एक एस्टेब्लिश एक्टर हो, तुमने एक शो या एक फिल्म खत्म कर ली है, उसके बाद का इंतजार कि कुछ इंतजार अच्छा या करेक्ट आएगा तो तुम करोगे। आई थिंक पेशेंस, और पेशेंस इन इन चीजों में भी, एज एन एक्टर आई थिंक पेशेंस, जब तुम सेट पे जाते हो, वैन में बैठते हो, हेयर मेकअप करा के बैठे हो और अपने शॉट का इंतजार कर रहे हो, वहां पे भी पेशेंस। तो पेशेंस आई थिंक एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज फिर वो एक वो ब्रेक हो जाता है तो इट्स लाइक कि बहुत। इवन मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बीन एन एक्टर जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो फिर बाद में वो ब्रेक होता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक वो वेट करना पड़ता है। ऐसे कई एक्टर्स जो होते हैं जो काफ़ी टाइम तक उनको कोई प्रोजेक्ट्स मिलता नहीं है, तो हाउ डे फील दैट गैप? और क्योंकि बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एग्जैक्टली इसलिए। यू आर राइट। एंड यार कुछ कुछ लोगों के लिए इजी होता है वो गैप, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को शांति से आराम से रहने की आदत होती है कि हाँ नहीं चाहिए ज्यादा हसलिंग। पर कुछ कुछ लोगों तो पागल बना रहे हैं एग्जैक्टली भाई या इंडस्ट्री में, जब उनको कुछ होता नहीं है करने को। एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी फाइनेंशियल इशूज और एनीथिंग, बट जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू। और कितने लोगों को बिजी रहने की आदत होती है, तो करेक्ट जब हाथ में से कुछ काम नहीं होता है, कहीं जाना नहीं होता है, कुछ करना नहीं होता है, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, इट कैन मेक यू अ लिटिल इनसेन। तो वो आई थिंक इज वेरी मुश्किल। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू मैनेज? आपके साथ ये सिचुएशन आया या तो फिर यार फॉर श्योर देर आर टाइम्स व्हेन आई एंजॉय दैट साइलेंस, व्हेन आई लाइक इट, आई विल प्रोबब्ली गो ऑन अ ट्रिप और समथिंग। ओह बट देर हैव बीन टाइम्स जब मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं तो पागल होती हूँ, तब आई थिंक दैट्स व्हेन अगेन
सिनेमा हेल्प्स यू बिकॉज़ आई एम इन दिस फील्ड, तो मेरे लिए वॉचिंग फिल्म्स लाइक अ होमवर्क. तो मैं सिनेमा देखती हूँ घर पर बैठ के. मैं अपनी कथक क्लास जो ज्वाइन की है वो चली जाती हूँ. वर्कआउट हेल्प्स देन अ लॉट. इट्स अ थेरेपी. इट्स अ थेरेपी. एग्जैक्टली. वर्कआउट हेल्प्स स्टफ. So, खुद का फायदा भी हो रहा है ना. यू आर मेंटेनिंग योरसेल्फ बाय वर्कआउट. बट एक बात और है कि जब तुम खाली होते हो ना तो भूख भी ज्यादा लगती है. मतलब सब घर पे हो ना तो क्या खाऊं, अब क्या खाऊं. और अब तो मानसून है तो और खाने का मन करता है. वड़ा पाव और चाय भजिया. अच्छे घर की खिड़की पे बैठ के बाहर बारिश हो रही है उसको देखो चाय. करेक्ट. और वड़ा पाव. करेक्ट. बट आपको क्या लगता है टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग? बिकॉज बीन एन एक्टर, आपको जब काम नहीं मिलता है तो आप ऑब्वियसली दूसरी जगह स्विच नहीं कर सकते. लाइक जैसे कि ऑन द अदर पार्ट व्हेन यू आर वर्किंग 9 to 5 वाले ऑफिस में, अगर यहाँ काम वर्कआउट नहीं हो रहा, यू आर इजिली शिफ्टिंग योर वर्क. बट बीन एन एक्टर यू कांट. तो दैट इज द प्लस पॉइंट और द माइनस पॉइंट for working in this industry. जो एक्टर है वो नॉर्मल इंसान तो होते नहीं, पागल होते हैं, तो इसीलिए वो एक्टर है. तो आई फील कि एंड बीइंग एन एक्टर हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. करेक्ट. तो अगर उसके अच्छे वो भी है कि जो तुम्हें मजे आ रहे हैं सेट पे जाके काम करके, फिर तो देयर विल बी टाइम कि तुम खाली भी बैठोगे. ऐसा नहीं है कि तुम 365 डेज काम ही कर रहे हो. एंड समटाइम्स एक्टर्स अपनी चॉइस से भी खाली बैठते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू डू जो उनको ऑफर हो रहा है ना. लॉट ऑफ टाइम्स नहीं करना है ये, नहीं आई कांट कनेक्ट टू दिस, इज व्हाई दे चूज टू नॉट डू समथिंग एंड वेट फॉर द राइट थिंग. सो अब अगर वो राइट थिंग के लिए वेट करना है देन यू विल हैव टू हैव लिटिल पेशेंस. बट मैं इसे जज नहीं कर पाऊंगी कि अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि being an actor has its own pros and cons. अच्छा ही भी है और ठीक है, ये जो थोड़ा खाली टाइम होता है उसको तुम कुछ और कर लो. बट या being an actor is of course not easy and हम सब पागल हैं इसलिए हम शायद एक्टर हैं. बाकी अदर देन दैट आई थिंक एक्टर्स दीज डेज आर डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक राइटिंग, प्रोडक्शन में घुस रहे हैं. Yeah, a lot. बन रहे हैं. सो अपने सारे मीडियम्स खुले रखे हैं सबने. And I think it's a great thing. मुझे भी अपना शो देख के मुझे लगा यार राइटिंग करती हूँ थोड़ी. मैं भी पूछने वाली थी, आप भी कुछ प्लान कर रहे हो शिफ्ट होने का? कर रही हूँ, बट इंस्पायर शो देख के कि थोड़ा राइटिंग करना चाहती हूँ कभी. बाहर बारिश हो रही होगी, खिड़कियों बैठ पे बैठ के चाय और वड़ा पाव तो नहीं होगा, बट कुछ लिखूंगी. आपने ऐसे पहले लिखा है कभी कुछ? कोई यार लिख नहीं पाती मैं बैठती तो. मैंने एक बार ऐसी रिकॉर्ड कर दिया था, वो पता नहीं कहाँ है वो रिकॉर्डिंग. But I think karna chahungi. Yeah, you should try. Of course. Yeah. But aajkal competitions bhi bahut badh gaye industries mein. Like I think I should not use that word nepotism, but बहुत है कि you know star kids को ही star cast करना and all. तो जो outsiders है, जो actors बनना चाहते हैं, they have many जो अभी भी एक successful actors बन गए. तो उनका वो पार्ट कैसे आप डिफेंड करोगे? किनका? जो आउटसाइडर्स है, जो एक्टर्स बनने आए हैं. यार बहुत इतना सारा जो कंपटीशन है, बहुत आउटसाइडर्स भी हैं, बहुत स्टार किड्स भी. करेक्ट. और देखो पता नहीं, गलत तो नहीं लगता है मुझे कि अगर आप कल के दिन एक्टर हो, आपकी बेटी, आप चाहोगे ना कि आप उसका एक्टर बनाओ. हाँ, मेरी बेटी होगी, मैं भी बोलूंगी ना तुझे एक्टर बनना, चल आई विल बैक यू. उसमें कुछ गलत नहीं है. But yeah, there are so many people out there waiting or matlab, let's see. नहीं, उनको कितना डिफिकल्टी होता होगा ना टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री बिकॉज इतने सारे पॉलिटिक्स होता है. इनफैक्ट व्हेन इवन व्हेन आई हैड कम टू द इंडस्ट्री, तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा पता होता है इंडस्ट्री के बारे में, तो करेक्ट, शायद मैं बेटर डिसीजंस ले पाती. बट इट्स ओके, लाइक नो रिग्रेट्स एंड ओनली ग्रेटिट्यूड for whatever I've achieved. लेकिन यार ऐसे तो बहुत है, फिर कितने स्टार किड्स भी हैं जो मतलब हाँ मम्मी पापा हैं पर कुछ हो नहीं रहा के लिए उनके भी pros and cons है यार being a star kid, कितना प्रेशर होता है. Exactly. To prove ना. To prove. नाम मेरे डैड फॉर एग्जाम्पल, मेरे डैड सुपर स्टार है, सो ऑब्वियसली मुझे उनका नाम रखने के लिए खुद मेहनत करना होगा. करेक्ट. ना केओस चल रहा है,
किसी की भी लाइफ इजी नहीं है, चल रहा है स्ट्रेस। बट इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा पार्ट था, इंडस्ट्री नॉट इंडस्ट्री द शो इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा पार्ट था जो प्लस पॉइंट था जो आपको अट्रैक्ट किया कि यस आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट? यार बिकॉज़ इट वाज सो रियल एंड देन द स्टोरी दैट आई हर्ड ऑफ माय कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर का नरेशन जब मैंने सुना मैंने बोला यार दिस इज सो रिलेटेबल एंड आई हैव ऑफ कोर्स नॉट डन एनीथिंग सो क्लोज टू माय जर्नी। So that's an, even though it's not like the main part in the show, but it is an important part. And आजकल मुझे यही सब करने में मजा आ रहा है कि अच्छा ठीक है, it's a great project, interesting project, important part. I would love to do it. ये नहीं हो गया है कि अब नहीं नहीं मैं तो हीरोइन ही बनूंगी या मैं तो main lead ही होना चाहिए. Yeah, I would love to be associated with great projects with important parts, even if it's not a main lead, but something the character has to add to the correct to the show or थोड़ा वो spice लाने के लिए। Yeah. And I think मेरा जो character Sanya Singh है, it is quite an important character and because it was so close to my journey, बड़ा मजा आया करते हैं। तो ये तो पूछना सेंसिबल नहीं होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, बिकॉज यू आर प्लेइंग योर सेल्फ ओनली, बट अगर कैरेक्टर की डीपली बात किया जाए तो कोई और कैरेक्टर प्ले करना, उनको स्टडी करके और खुद का ही पोर्ट्रे करना, वो हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट? कोई और कैरेक्टर प्ले करना एंड खुद का ही कैरेक्टर प्ले करना इसमें किया है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट द बोथ थिंग्स? Because it was so similar to my. But was it difficult to play yourself only, या फिर कोई और कैरेक्टर प्ले करना इजी होता है? I think कोई और कैरेक्टर प्ले करना इजी होता है क्योंकि I don't know why, I really don't have an answer to this question, but खुद को प्ले करना ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे क्योंकि कोई कोई चीज़ें आपने बाद में realize किया होगा आपके बारे में maybe. I don't know about that, लेकिन क्या होता है ना कि अगर तुम कोई किरदार निभा रहे हो, कोई और किरदार which is not you or which is not so close to you, तुम पता नहीं मैं I don't know how to explain it, but तुम एक एक्टर हो और तुम्हें एक्टिंग करनी है और it just becomes easy, but when it's you yeah तुम उसको कैसे प्ले करो कि you know it becomes an interesting character, it is I really don't know how to answer it, पर वो मुझे लगा कि it was difficult to play yourself more than playing any other character. Correct, होता है because कुछ parts बाकी लोग नोटिस करते हैं आप में जो आप खुद नहीं कर पाते, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट एंड दैट टू ऑन कैमरा, इट्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्या? या इट्स मोर चैलेंजिंग दैट। सो आशा, टॉकिंग अबाउट योर टेलीविजन करियर, आपने स्टार्ट किया था ऑब्वियसली, हाउ मच डू यू मिस टीवी नाउ? सच में बताओ यार, पता है कितनी मेहनत मजदूरियां काम है, मैं बता रही हूँ 12-12 घंटे 14-14 घंटे रोज काम करते थे, कभी कभी शिफ्ट भी हो जाता था ना। हाँ, एक बार 32 आवर्स कंटिन्यूअस काम किया है, मैं 3 दिन क्लिनिक से पड़ी रही क्योंकि मैंने छुट्टी मांग ली थी। व्हिच शो वाज दैट? पवित्र स्टोरी, क्योंकि मैंने छुट्टी मांग ली थी 4 दिन की, आई हैड टू गो समवेयर फॉर समवेयर, और नहाना भी वही बारिश में सीन्स हो रहे हैं सब सब तो, और महीने में बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, तो वो मेहनत मजदूरी मुझे नहीं लगता अब मैं कर पाऊंगी, अब ना उतना पेशेंस रहा और नहीं हो पाएगा। अभी क्या हो गया, ओटीटी ने थोड़ा बिगाड़ भी दिया है, कोई आफ्टर लॉकडाउन एक्चुअली तो ये कैरेक्टर करो, मजा आ गया वो कैरेक्टर करके, हो गया 1-2 महीने में खत्म, बस अब कुछ और नया करो, तो वो मजा आता है। So yeah, honestly, never forget your roots. Done and dusted now. But अगर कुछ वापस से ऑफर आता है तो will you look up for it? यार मैं वो ही बोल रही हूँ ना, मैं सीधा ही बोल देती हूँ कि अभी मेरा पेशेंस नहीं रहा, अगर जैसे कोई शॉर्ट टर्म है लाइक 3 महीने का फाइनाइट शो, देन व्हाई नॉट, या इफ आई लाइक द स्टोरी, इफ आई लाइक द कैरेक्टर, व्हाई नॉट, बट ऐसे ना डेली शो वाले तो नहीं हो पाएगा। टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो,
रियलिटी कितना पसंद है आपको, रियलिटी शोज देखना या करना? करना और देखना दोनों. अभी तो यार देखो ना, अभी क्या हो गया है, अभी तो इतना नेटफ्लिक्स और ये सब आ गया है, तो उसमें फिक्शन ही देखती हूँ मैं. तो करने की बात रही तो मैंने कर भी लिए हैं, एंड आई थिंक आई फ्योरी हैड अ लॉट ऑफ फन इन खतरों के खिलाड़ी. बहुत मजे आए थे उसमें मुझे. एनी डांस रियलिटी शो अगर ऑफर आता है? या श्योर, व्हाई नॉट, मे बी, आई डोंट नो. बट इस प्रोजेक्ट में यू हैव यू आर शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद चंकी पांडे, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? वी डिडंट हैव एनी सीन्स टुगेदर. Yeah, but sir, we were part of it. Yeah, promotions ke time mein to bahut maza aaya. Much fun, yeah. Such a sweetheart, very like kind gentleman. They had a lot of fun during the promotion. But jab aapko pata chala ki ye bhi hissa hai is project ka, to aap, what was your first reaction on wo first conversation kya thi, aur jab aap mile the during promotions or maybe on the set? Conversation, I remember he had gone to his house to shoot some reel for the promotions, yeah. And bas wahi, but he's very sweet. And mujhe jab pata chala tha he's a part of the show and for this character, I was like, wow, unse better ye character koi kar hi nahi sakta. I think what a fab casting you've done, sir. Yeah. Kuch sikha tha unse? Maine saath mein kaam nahi kiya, to hame zyada, you know, we didn't shoot together. तो शूट के टाइम पे तो मिले ही नहीं, बस प्रमोशंस पे मिले थे बस. सो एनी मैनिफेस्टेशन वर्किंग विद सो एंड सो एक्टर, कौन होगा वो? पता नहीं यार, मैं जिस लड़की को भी पूछो सब रणबीर कपूर बोलते हैं. मैं भी यही बोल दूंगी. व्हाई रणबीर कपूर? आई नो व्हाट एन एक्टर यार. देयर इज समथिंग अबाउट रणबीर कपूर, नो वी कांट, देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली स्पेशल अबाउट हिम. पता नहीं कुछ तो है भाई, एक तो है ही, ही सच अ फैब एक्टर, बट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट, है ना? या आई थिंक इट्स ब्लेस्ड. ओके, देयर इज सम डेप्थ इन हिम. या रणबीर कपूर, गॉट इट. या आई गॉट इट. शाहरुख खान का मैनिफेस्टेशन सच ही होने वाली है, तो मैनिफेस्टेशन शाहरुख खान भी करेक्ट. सो एंडिंग दिस कॉन्वर्जेशन, बट आपके जो फैंस हैं वो काफ़ी आपको मिस भी कर रहे हैं ऑन टेलीविजन ऑल्सो. हाँ, तो मम्मी पापा यार वो ज़्यादा खुश तब थे जब मैं टेलीविजन पे आती थी रोज, टीवी पे दिख जाती थी, तो क्या टीवी पे तो दिखते थे, तो उनको वो खुशी ज़्यादा थी. तो अभी भी बोलते रहते हैं कर ले चुप रहो यार, बस हो गया. उनको नहीं समझा पाती हूँ कि मुझे कितना मज़ा आता है OTT में. पर अगर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन उनको नहीं, पर अगर टेलीविजन, OTT, रियलिटी शो एंड फिल्म्स, ये सारों सारी चीजों में से आप क्या चूज करोगे? आई थिंक फिल्म्स. या OTT भी, अब टाटा बोल दिया आपने. OTT टाटा नहीं बोलूंगी. OTT तो है, मजा तो बहुत आता है, पर आई थिंक वो यू नो सिल्वर स्क्रीन पे खुद को देखने में वो वो ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो अभी वो देखना चाहती हूँ. करेक्ट. तो वही, फैंस को फिर क्या कहना चाहेंगे आप? यार कुछ नहीं, फैंस को तो मैं यही बोलूंगी कि हमेशा सपोर्ट, इतना सपोर्ट करते हैं यार फैंस. मतलब मैं ये जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी एंड में मुझे मैसेज होता है, फैंस नॉट, इट्स दिस इज नॉट दैट मैसेज, बट सेल्फलेस लव, आई डोंट अंडरस्टैंड ना प्यार कैसे कैसे यार. कोई शो आ रहा होता है मुझसे ज्यादा एक्साइटेड वो होते हैं, से एडिट्स बनाने लग जाएंगे. वाओ, डीपीस चेंज कर देंगे इंस्टाग्राम. अरे रे रे, स्वीटहार्ट्स. बट या आई रियली होप कि मैं कभी कम्स अ टाइम जब मैं ये प्यार, बट टिल देन लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी एंड फॉर द सेल्फलेस लव ऑलवेज. थैंक यू.